देखिए बाल कट गया आपका, देखिए देखिए थोड़ा सा बच गया है, देखिए 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 नहीं, 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 नहीं। बिल जो होता है ना सब बिल बना हुआ है। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह की बज रहे हैं 8 और आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे पीछे देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग। आज बेड से सारा हटा रहे हैं क्योंकि कल हम लोग इतना ज्यादा डरे हुए थे ना, और इतना ज्यादा कि रात को मन भी नहीं करा सोने के लिए, क्योंकि एक जगह नहीं है हमारे घर के आस पास भी बहुत सारे सांप भी निकल रहे थे। आप सबने देखिए भैया कितना मुश्किल से सारे सांप को हटाए, और बस हम लोग बेडशीट वगैरह साफ कर ले रहे हैं सारा, और उसके बाद हम लोग नहा धोवा के ना आज मंदिर भी जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत डर लग रहा है। शायद हो सके कि हमारी भी गलती होगी, तभी भगवान बार बार सांप दिखा रहे हैं, ये भी हो सकता है। पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन थोड़ा सा रात को हम लोग ज्यादा डर गए हैं और हिम्मत नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। इनको घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, सुबह से निकल जाते थे पर डे, लेकिन आज हम दरवाजा बंद करके रखे हैं। जब तक लोग बाहर रहेंगे तब तक दुगु बाहर रहेंगे। और पूरी तरह से पता भी नहीं है ना कि वो सांप है कि चला गया, कैसे कहें हम। और कुछ लोग बोल रहे थे कि दुकान से कुछ ऐसा चीज ला के जला दीजिए ना जिससे कि सांप है ना घर में वो भाग जाएगा। तो वैसे रात में हम लोग जलाए थे, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। आज ना मैं आपको दिखाऊंगी ना कि सांप कहाँ से आते हैं, और वो भी चीज दिखाऊंगी बिल की, कितना बड़ा बड़ा यहाँ सांपों का बिल है। वो भी कहीं दूर नहीं, बस हमारे जस्ट घर के पीछे में, इसलिए डर लग रहा है। चलिए फटाफट से तैयारी कीजिए और फिर नहाई धोई निकलिए, लेट हो गया काफी, और आने में सिर्फ तो 12 बज जाएगा। यहाँ देखिए हम लोग अपने काम में बिजी हैं, और डुगू देखिए अपने काम में बिजी है। अभी बेडशीट बिछाए भी नहीं है, और ये बेड पर आकर सब खत्म कर दिए। हाँ ये पूरा खत्म हो गया है, ये मिठाई डुगू का बोले थे ना, डुगू का फेवरेट मिठाई है, सारा खत्म कर दिए हैं। और अभी देखिए पापा को बेडशीट बिछाने भी नहीं दे रहे हैं, और ये देखिए यहाँ भी कैसे आके सो जा रहे हैं। रुके बेडशीट बिछा दीजिए, कैसे बैठिएगा खिड़की, इसीलिए हम लोग खिड़की में जाली मार दिए थे। हम लोग को पता था कि यहाँ सांपों का डेरा है, बहुत लोग बोल भी रहे थे। अच्छा हुआ जो हम लोग खिड़की में जाली मार दी, वरना पता नहीं आज कौन सा दिन दिखने को मिलता। तो चलिए जी हम नहा लेते हैं, नहा कर आते फिर मंदिर चलेंगे। जो है उछल दीजिए बेड पर, ये कुछ कर नहीं देंगे हमको अभी। तो मोजा खोल दीजिए, मोजा ही बाहर गए थे। दोस्तों हम लोग नहा कर तैयार हो गए हैं, और यहाँ तुम्हें थैला जा रहे हैं मंदिर, जहाँ हम लोग जाते हैं हमेशा पूजा करने के लिए, आज वहीं पर जा रहे हैं। और अभी कुछ दुकान से प्रसादी फूल वगैरह भी लेना है। डुगू देखिए इनका मोबाइल, मोबाइल कहाँ लिए आप, मोबाइल कहाँ रखे? बहुत देरी बाद दिए मोबाइल, मत डांटिए, बहुत देरी बाद दिए मोबाइल। दिए इसका मतलब मोबाइल कैसे लेके जाएंगे हम फिर? डुगू दी उसको लीजिए ना, लीजिए उनको दीजिए। दोस्तों रास्ते में देखा धान किस प्रकार से निकल रहा है, अभी पुआल इधर कोई झंझट नहीं, बस उधर से डालते जाए उधर निकलते जाएगा, सब बाहर फेंक दे रहा है वो इतना दूर में। कितना अच्छा बोरा में आ रहा है ना, अब इधर निकाल रहे थे इधर धान, और इधर देखिए कैसे डाल रहे हैं, बोझा बांधा हुआ है। इधर देखिए धान निकल रहा है, और कितना साफ कर दे रहा है धान, नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा है, कम लग रहे हैं। चलिए इधर आइए, इधर आइए, देखिए कैसे अभी दौड़ चलेंगे। और ये तो अब आगे चल गए, हम लोग पीछे छोड़ दिए। आइए आप गए आप चलना ऊपर, बस बस गते गते आप गए। हम लोग पता नहीं इतना पहाड़ी में कई हवा चलता है, हम भी चलेंगे, रुकिए रुकिए गते गते जाएंगे जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। ये अकेले चल दिए, यहाँ पत्थर पर नहीं चलिए। हम लोग हाँफने लगे और पहाड़ की चोटी पर चढ़े हैं, बस इधर है, लेकिन पहले तो नीचे पूजा करेंगे। और गुदो डुगू अभी गोदी चढ़े पहुंच गए हैं पहाड़ों के बीच पूजा करने के लिए, जंगलों के बीच में। ये दोनों तरफ रोड के अगल बगल में घास चार चार लगा दे रहे हैं ना रवि, पता नहीं कौन सा घास अच्छा लगा। चलिए
यहाँ आराम से उतरिएगा। गते गते बाबू को पकड़ाई। हम लोग आ गए पूजा करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में, और अभी हम लोग नीचे पहले पूजा कर लेते हैं, इसके बाद इसके ऊपर में पूजा करेंगे। मेन मंदिर ऊपर में है, कुछ लोग का आस्था है पहले नीचे पूजा कीजिए इसके बाद ऊपर में, तो हम लोग पहले नीचे ही पूजा कर ले रहे हैं। फूल ले लिए थे। फूल लिए थे? हाँ हाँ, मतलब क्या फूल प्रसाद भी लिए हमें। प्रसाद भी है। और यहाँ पर है भोलेनाथ, यहाँ पर पार्वती माता हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। और ये सामने जो पत्थर दिख रही है क्या बोलते हैं, नंदी बाबा हैं। जय हो। इनको अभी थोड़ा सा मोबाइल दे दिए हैं, नहीं तो डर रहे हैं। और इधर हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। जय कीजिए, बोली जय। तो गोर लग रहे हैं अभी। जय प्यार से जय बोलते हैं। और इसमें पानी हंसम रहता है, ठोप ठोप चूते रहता है, अभी भी है। जय कर रहे हैं अभी। इधर दान पेटी। देखिए कितना प्यार से जय कर रहे हैं। अभी मोबाइल नहीं देखे हैं इसलिए, अगर मोबाइल देख लेंगे कि पापा ले रहे हैं तो छोड़ देंगे। देखिए अब छोड़ दिए। जय। हाँ यहीं पे हैं हम लोग। जय कीजिए। बाहर में पूजा कर रहे हैं दोस्तों। अभी हम घर आ गए हैं, और घर आने के बाद हमारा नाश्ता वगैरह हो गया, और बहुत दिन से सोचे थे ना कि डुग्गू का बाल नहीं कटवाए हैं। और यहाँ पे देखिए, इनको पता है कि अभी पापा बाइक निकालेंगे, उससे पहले ही गेट के पास खड़ा हो गया है, रोना धोना शुरू कर दिए। आँख में लग जाएगा, मालूम लग जाएगा बेटा, आँख में मालूम। चला चलो चलो चलो, पहले चप्पल 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 चला, पहले चलो चलो चलो, रोना देख कितना रोना शुरू करते हैं। देखिए इधर चले, आ जाइए गोदी, आ जाइए गोदी गोदी। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं 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 रोइए, नहीं रोइए, नहीं बेटा, नहीं बेटा। अरे ये देखिए बुजी कैसे रोना शुरू कर दी है, ये बाल नहीं कटवाए हैं, और बाल कटवाएंगे देखो उसमें कितना रोएंगे। पहन के चलेंगे पहन के चलेंगे बेटा। डुगू का बाल पूरा कटवाना है कि थोड़ा थोड़ा? देखिए सिर्फ रोए जा रहे हैं, अभी गोदी में जाएंगे, और जैसे ये बाइक निकालेंगे ना कितना ज्यादा खुश हो जाएंगे अभी जाकर। इधर हम लोग ताला लॉक कर रहे हैं, हमारी बाइक यहाँ है, और दूसरी तरफ देखिए डुग्गू इधर है। इनको पानी मिल गया खेलने के लिए, सारा कंकड़ उठाएंगे और पानी में डालेंगे। चलिए चलिए चलिए, नहीं चलना है, आराम से आराम से आराम से आराम से। चलिए 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 बैठते हैं, चलिए जाएंगे जाएंगे। नहीं गोदी में थी। हम लोग सैलून में आ गए और इनको कुछ खिला रहे हैं ना, तो फिर रिंग्स नाई खिला रहे हैं। अभी देखिएगा कितना रोना। स्वेटर खोल दीजिए इनका, फिर खोल दे रहे हैं। और एक इनके लिए ले लिए बिंदास टॉफी ले लिए हैं, रोएंगे तब देना होगा। नहीं भीड़ नहीं, आज शुक्रवार है ना, संडे को ज्यादा भीड़ होता है। बाल कटवाना है ना? अभी नहीं पता, मन नहीं। औंगरी में देखिए कैसे लगे हैं रिंग्स को, पता नहीं कटवाने देंगे भी नहीं, पिछली बार तो जितना ठग लीजिए, इसके बाद तो ठगाने वाले नहीं है। देखिए बाल कट गया आपका, देखिए देखिए थोड़ा सा बच गया है, देखिए देखिए देखिए
अच्छा छोड़िए, क्या कीजिएगा अब, थोड़ा सा समझदारी हो जाएगा ना तब कटवा नहीं देगा। अभी लग रहा है कि कौन क्या कर रहा है। हो गया चलिए दोस्तों, डुओ का बाल कट गया है और ये थोड़ा सा अजब टाइप पे दिख रहे, क्या बोलते उसको, मुस्कट टाइप में बाल कटा है। हम लोग गांव में मुस्कट बोलते हैं क्योंकि बाल अच्छा से नहीं कट पाता है। ये तो काटने दे नहीं रहे थे, इतना मुश्किल से बाल कटवाए हैं जो मत पूछिए। और हमको नहीं लगा कि बाल कट पाएगा इनका, फिर भी देखिए जहां तार छूट गया है बाल से भी छूट गया है। इतना उछल रहे थे जो कहना ही नहीं है। और वहां से आने के बाद तो रोने लगे, कितना मुश्किल से नहाए, नहाने के बाद फिर सो गए। अभी सो कर उठे हैं, थोड़ा सा खाए हैं कि नहीं? नहीं नहीं खाए हैं, तो ये खा नहीं रहे हैं। चेहरा इनका गजब दिख रहा है, ये आईना लेके बैठे हुए हैं पर चेहरा देखने के लिए, लेकिन देख नहीं रहे हैं। देख के बोले बाबू 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 किधर है बाबू बाबू आईना मैंने बेटे को बाल देखे कितना छोटा छोटा हो गया है इनका। हम देखे, आपको नहीं देखना है, हमको बोल रहे देखने के लिए। जूता चप्पल पहन ले बेड पर, खोल ही नहीं देते। और हाँ दोस्तों, सांप का जड़ी देखिए, एक गेट के इधर साइड में लगा हुआ है, फिर इधर साइड भी मैंने लगा कर रखा है। आप लोग बोल रहे थे कुछ उपाय करने के, तो हम पहले से बहुत उपाय कर रहे हैं। बाहर में भी देखिए, इस साइड में लगा हुआ है, इधर से भी लगा हुआ है, फिर भी सांप पता नहीं कैसे में घुस जा रहा है, नहीं पता। चारों तरफ से सेफ्टी है, कहीं घुसने का जगह नहीं है, पता नहीं फिर भी कैसे आ जाता है। हाँ इधर साइड में है थोड़ा सा, लान अभी भी लगा हुआ है और यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि नली का पानी निकलता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ऐसे घास हो गए हैं। बराबर मना भी करते हैं लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। तो बस इसको हट जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। और अगल बगल में रही बात तो इधर देखिए कैसा है, इसका बगल वाला का है। हम लोग बहुत तरह के सब सेफ्टी करने के लिए उपाय किए लेकिन नहीं हो पा रहा है, फिर भी चलिए वो दिखाते हैं गड्ढा। और हाँ दोस्तों, रोड तरफ में इधर देखिए सब टहनी कैसे काट काट के रखे हुए हैं, ये देखिए जैसे कि ये सब घास जो है ना बहुत बड़ा बड़ा हो गया था, तो हम लोगों ने कटवाया है। वो जैसे आ रहे थे इधर, जो उनके घर में गाय है दूध दूध उन लोग के घर में होता है, तो उन लोग को बोल कर हम सब कटवा दिए घास और सब फ्रेश हो गया इधर। दोस्तों हम लोग जस्ट पीछे साइड में आ गए हैं, ऐसे इधर फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह पर घास बोल के हम लोग कटवा दिए हैं। लेकिन ये धान अभी बस पक रहा है, पका हुआ नहीं है, और धान के वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कट जाएगा तब भी दिक्कत होगा क्योंकि उसमें जितने भी छुपे हुए हैं सब बाहर निकल जाएंगे। और इतना ज्यादा घास यहाँ पे है जो मत पूछिए, चारों तरफ घास ही घास है, से ही चल जा रहा है। और उधर से जा तो घास जमा है ना, वहाँ पे बड़ा बड़ा बिल है। दोस्तों हम पीछे साइड में तो आ गए हैं लेकिन अभी भी धान के क्यारी में पानी है, पानी नहीं जा सकते नीचे, बहुत ज्यादा पैर पूरा। और ये जो वहाँ पे दो दो तीन तीन जगह वहाँ पे खंड है जैसा है, ये जो आप झाड़ी देख रहे हैं इस झाड़ी के जस्ट उधर साइड में है, जो कि अभी जब धान कटेगा तो आपको क्लियर हम दिखा पाएंगे। और बिल जो होता है ना सांप का, उस टाइप सब बिल बना हुआ है। और ये जो कि पीछे साइड में हम जो है जितने थे सब ऐसे, ये छेदा देख रहे हैं ना, अंदर सब बंद कर दिए गए हैं, ऊपर से भी कहीं भी छोड़े नहीं जगह ताकि सांप घुस सके। सब लोग बोल रहे थे सांपों का यहाँ पर बसेरा होता है, इसलिए पहले से ही सतर्क हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आ जा रहा है, यही समझ में आ रहा है कैसे आ जा रहा है। और इधर साइड में पूरा झाड़ी झाड़ी है यहाँ पर, इसलिए हम आपको सॉरी पूरा नहीं दिखा पाएंगे। अब एक महीना बाद में जब धान कर जाता है ना तो आपको क्लियर हम दिखा देंगे कहाँ से कैसे निकलता है ये सब। और कुआं की हम बात जो कर रहे थे, कुआं आपको हम बता दें, वो जो झाड़ी दिख रहा है ना बड़ा सा, वहां पर बहुत बड़ा कुआं है, एक वहाँ पे है और एक और कुआं वो पेड़ देख रहे होंगे आप वहाँ पर है, लेकिन अभी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे सॉरी वो, लेकिन हम आपको जरूर दिखाएंगे कुआं में आखिर है क्या राज। और एक और तालाब की बात हम कर रहे थे, तो वो तालाब आगे साइड में है, बहुत बड़ा, जल्दी ही खुदाया है, ये 3 महीने 4 महीने पहले खुदाया है तालाब। ये जो दीवार है छोटा वाला, इस दीवार के अंदर जो फाँक है इसमें एक दिन सांप घुस गया था। बस हम लोग उधर से दौड़ा रहे थे और दौड़ाते दौड़ते आए यहाँ पर, यहाँ से घुस गया था और ये पता नहीं चल रहा आखिर गायब हो गया उसके बाद में, फिर कभी दिखा ही नहीं क्या हुआ आज एक तक। बार दिखा था ईटा के पास, वो भैया ईटा गांज की है ना, वहीं पे दिखा था, वहाँ पर ईटा है गांजा हुआ वहाँ पर मिला था, लेकिन फिर भी उसके बाद नहीं दिखा। और वो बड़ा वाला सांप था, बहुत बड़ा था।
और यहाँ पर नागवंशी एरिया है, इसलिए यहाँ पर लोग बोलते हैं ज्यादा सांप निकलता है। यहाँ सांपों की कहानी अगर आप सुनेंगे ना तो वाकई में दंग रह जाएंगे। हम लोग तो सुन सुनकर ना बहुत डर गए थे उस दिन, तो इसलिए हम लोग को हिम्मत भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप लोग वही कमेंट लेकर बैठ जाते हैं, सब पुराना वीडियो है तो ये है यार, समझ में नहीं आता जब सांप आँख सामने दिखा रहे हैं फिर भी आप लोग बोलते हैं कि नहीं। और हाँ दोस्तों, हम वो सारे उपाय कर रहे हैं जिससे हमारे घर से सांप निकल जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि फिर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, क्योंकि हमारे घर में हम दो नहीं, एक छोटा बच्चा है, सबसे ज्यादा उनका ख्याल रखना है। ये हर समय बाहर खेलते रहते हैं, कभी गेट के पास झूलते रहते हैं, कभी कुआं के पास खेलते रहते हैं। कब तक आप बांध के रखिएगा घर में, ये भी बात सही है। तो इसलिए हम लोग जो है खुद सतर्क हैं, आप लोग सिर्फ जो जो लोग उपाय बता रहे हैं वो हर चीज हम लोग करने लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसा उपाय नहीं मिल पा रहा जिससे कि सांप हमेशा के लिए यहाँ पर से जो हमारे बाउंड्री में रह रहा खत्म हो जाए, बहुत डर लग रहा है। और आप लोग गौर से प्रे कीजिएगा, हमारे साथ जो हादसा हो रहा है वो न हो, हम लोग डर जाते हैं। छोटा परिवार है, अब आप देख रहे हो कि हमारे घर के आसपास भी घर दूरी पर है, नजदीक में नहीं है, इसलिए ज्यादा इशू होता है यहाँ पर। और पीछे जो बाउंड्री है ना वो कोई कोई नहीं किया तो पीछे सांप उप आ जाता है। जब पूरा एरिया हम लोग का जब अच्छा से हो जाएगा ना तो फिर दिक्कत नहीं होगा, आसपास में घर बन जाएगा तो परेशानी नहीं होगा, इसलिए हमें झेलना पड़ जा रहा है। और हाँ दोस्तों, आपको और भी कुछ सुझाव या फिर सांप के बारे में जानकारी हो जिससे हमारे घर सांप ना आए तो हमें आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप दोस्तों आज का यह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय।